पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को काली कमाई से फ्लैट खरीदने के मामले में गिरफ्तार कर रावलपिंडी जेल ले जाया गया और उन्हें बी क्लास सुविधा वाली जेल में रखा गया। अमेरिकी कंपनी ने बनाई स्मार्टफोन जैसे दिखने वाली गन जिसकी कीमत आईफोन से आधी है। भारत ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दुनिया के सबसे बड़ा वीजा केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। आज सुबह मिर्जापुर में स्थित 40 साल पुरानी वान सागर नगर परियोजना का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 बीएसएफ जवान सहित 3 घायल। झारखंड के हजारीबाग में एक परिवार के 6 सदस्यों ने किया आत्महत्या। पुलिस को मिली 3 सुसाइड नोट जिसमें कर्ज से परेशान होने की बात लिखी थी। दहेज के लिए चला गया और एक जान। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। पुलिस ने किया अपराधी को गिरफ्तार। देश के विभिन्न राज्यों में कल रथ यात्रा मनाई गई। पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा के 3 रथों को गुंडिचा मंदिर जाने के लिए प्रस्थान किया। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे वनडे में 86 रन से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। फुटबॉल विश्व कप में बेल्जियम का एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पहली बार तीसरे स्थान पर रहा। इंग्लैंड को 2-0 से हराया। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में आज मानसून के सबसे बड़ा हाई टाइड का चेतावनी। तेज बारिश से होगी समस्या।